नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं लाया हूँ आपके लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको अक्सर एग्जाम में मिलते हैं। आइए अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पवन का सही संधि विच्छेद है। तो पवन का सही संधि विच्छेद कैसे होगा? पो प्लस अन बराबर पवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो कौन सा शब्द बनेगा? उद्धार। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है परे प्लस आवरण। परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण। ओके, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर। ठीक है, नेक्स्ट है, जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व, जो कहा न जा सके अकथनीय। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, समय की दृष्टि से अनुकूल समयानुकूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। अगला है, जिसकी गर्दन सुंदर है सुग्रीव। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपत्ति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या? नवीनीकरण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग दावानल। लगने वाली, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी। ठीक है, क्या होगा? उत्तरापेक्षी। अगला क्वेश्चन है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है कनिष्ठ। अगला क्वेश्चन है, गमन का विलोम शब्द है आगमन। अग्नि का विलोम शब्द है अंबर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हेय का विलोम शब्द है ग्रहम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम शब्द है इतिश्री। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अत का विलोम शब्द है इति। अमृत का विलोम शब्द है विष। नेक्स्ट है, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? भास। तरुण का विपरीतार्थ शब्द बताइए वृद्ध। इनमें से कौन सी विपरीतार्थ शब्द पतझड़ का अर्थ है? वसंत। ग्रीस में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। सिरतोड़ में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष। महात्मा में कौन सी समास है? कर्मधारय समास। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 12। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पुरोहित में उपसर्ग है पुरह। कौन सा? पुरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अब। सावधानी शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय है ई। ठीक है दोस्तों, शिव का विशेषण क्या है? शैव। नेक्स्ट है, भूतकाल के कितने भेद हैं? 6। अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? तो से अलग होने पर। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है, यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। मतैक्य में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा परिवार की भाषा है, भारूपी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से। जाके पाँव न फटे विवाही सो क्या, जाने पीर पराई का अर्थ क्या है? जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है दोस्तों, ये आप एक बार और पढ़ लीजिए, जाके पाँव न फटे विवाही सो क्या, जाने पीर पराई का। ठीक है, इसका आंसर है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अगला क्वेश्चन है, जस दूल्हा तन बनी बरात का अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे, यानी जैसा दूल्हा तैसी बरात। ठीक है दोस्तों, अगला है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? वे। ध्यान रखना दोस्तों, वे प्रत्यय आगे लगाया जाता है, उपसर्ग बाद में लगा, सॉरी उपसर्ग आगे लगाया जाता है, प्रत्यय बाद में लगाया जाता है, शब्द के बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आब। अगला क्वेश्चन है, पुरोहित में उपसर्ग है पुरह। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है निर। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है चिर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है अयाद संधि। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है क्या है? मिश्र वाक्य। ठीक है दोस्तों, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है विस्मयाद बोधक, विस्मय बोधक। ठीक है, आज के लिए इतना ही।